नमस्कार दोस्तों, देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स अपनी नई कार HBX को लॉन्च करने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, टाटा मोटर्स अपनी नई मिनी SUV HBX को इसी साल लॉन्च करेगी। और आज के इस वीडियो में आप नई टाटा HBX की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट से लेकर स्पेसिफिकेशंस तक पूरी जानकारी डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल रियल ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमेशा ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस का लाभ उठा सकें। बता दें कि इस मिनी SUV को कंपनी ने पिछले महीने हुए ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया था। और खास बात ये है कि इस कार का प्रोडक्शन मॉडल इसके कॉन्सेप्ट मॉडल से 97% तक मिलता जुलता होगा। HBX मिनी SUV का डिजाइन काफी हद तक टाटा हैरियर से मिलता जुलता है। बात करें इंजन की तो टाटा HBX में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 110 BHP की मैक्सिमम पावर और 114 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के मामले में नई टाटा HBX में 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बता दें कि लॉन्च होते ही टाटा HBX का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी इग्निश और महिंद्रा KUV 100 से होगा। हाँ, पता है कि आप इस मिनी SUV की लॉन्च डेट और अंदाजित कीमत जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो आपके इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक टाटा मोटर्स अपनी इस मिनी SUV HBX को इसी साल के अंत में त्योहारी सीजन में लॉन्च करने वाली है। और कीमत की बात करें तो भारत में टाटा HBX की कीमत करीब 1.85 लाख रुपीस से लेकर 5 लाख रुपीस के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, आपको टाटा की ये नई मिनी SUV टाटा HBX कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।